भारत में खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस चीफ गुरु पतवंत सिंह पन्नू पर एनआईए ने कार्रवाई की थी। उसकी संपत्तियां जब्त कर ली गई थी। अब गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर भारत को धमकाया है। वीडियो में आतंकी हमले की खुली धमकी दी गई है। उसने जो वीडियो जारी किया उसमें दीवारों पर खालिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। वीडियो में पन्नू ने दावा किया है कि नजारा भारत की संसद के पास का है और ये दिल्ली के ISBT क्षेत्र के पास हुआ है। पन्नू के इस वीडियो के बाद पुलिस महकमे में तहलका मच गया। पुलिस का मानना है कि पन्नू ने पूर्वी दिल्ली को उत्तरी दिल्ली से जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो की जांच में ये पाया गया कि उत्तरी दिल्ली में ये भारत विरोधी नारे दीवारों पर लिखे गए हैं। जारी वीडियो में पन्नू ने कहा, अब दिल्ली बनेगा खालिस्तान, और तो और उसने ये दावा भी किया कि खालिस्तान समर्थक लोग दिल्ली पहुंचे और उन्होंने सांसद के पास दीवारों पर ये नारे लिखे हैं। आतंकी पन्नू ने वीडियो में कहा कि पीएम मोदी आप शहीद निज्जर की हत्या के जिम्मेदार हैं और सिख फॉर जस्टिस इस हत्या का बदला लेगा। हमारा टारगेट 6 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाला ICC वर्ल्ड कप मैच होगा। इससे पहले पन्नू ने 15 अगस्त के आसपास और G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले भी दिल्ली में धमकियां जारी की थी। दोनों मामलों का खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी पन्नू का नया वीडियो भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव के दौरान जारी किया गया है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों पन्नू ने वीडियो जारी कर कनाडा के हिंदुओं को भी धमकाया था, जिसमें उसने कहा था, कनाडा छोड़ो हिंदुओं, भारत जाओ। कनाडाई हिंदुओं, आप लोगों ने कनाडा के प्रति निष्ठा को अस्वीकार किया है, इसलिए भारत लौट जाओ। अब पन्नू ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में खालिस्तानी हमले की धमकी दी है।